नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग हिंदू हैं और हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर जो है वो गवर्न करते हैं, वो लोग जो है तलाक कैसे लें, डाइवोर्स कैसे लें, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक लेने के दो तरीके जो है वो बताए गए हैं। तो ऐसे में क्या वो तरीके हैं, कैसे कैसे जो है तलाक लिया जा सकता है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, तलाक लेना या उसका तलाक लेने का डिसीजन देना, ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है पति पत्नी के बीच में। यदि पति पत्नी के बीच में कहीं नहीं बन रही है, कहीं तनाव है और वो चीज जो है सॉर्ट आउट नहीं हो रही है उनके बीच में, और पार्टीज जो है एक दूसरे से तलाक चाहती हैं, तो कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तलाक लेने में। कई बार होता है कि दोनों पार्टीज रजामंद होती हैं तो उसमें तलाक लेने में आसानी आ जाती है, लेकिन कई बार जो है एक पार्टी तलाक लेना चाहती है लेकिन दूसरी पार्टी जो है तलाक नहीं देना चाहती है, तो ऐसे में जो है तलाक लेना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क जो है प्रोसेस बन जाता है। तो आज इस वीडियो में हम दोनों जो है डाइवोर्स कैसे लेना है दोनों तरीकों से, उसके बारे में बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है उसका देखेंगे क्या है, हाउ टू फाइल फॉर डाइवोर्स दोनों कंडीशन में, जहां पे दोनों पार्टीज राजी हैं, और दूसरी कंडीशन जहां पे एक पार्टी तैयार है दूसरी पार्टी तैयार नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट में जहां पे दोनों पार्टीज जो हैं तलाक लेने के लिए राजी हैं, तो उसको हम कहते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट मीन्स दोनों पार्टी ही तैयार हैं तलाक लेने के लिए। उनके कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, उनमें कंपेटिबिलिटी इश्यूज हो सकता है, उनमें कोई भी घरेलू जो है उनकी कोई भी समस्या हो सकती है, किसी भी वजह से जो है जिसकी वजह से उनकी आपस में नहीं बन पा रही है, वो नहीं वो सोचते हैं कि वो आपस में एक साथ जो है नहीं जिंदगी काट सकते एज हस्बैंड एंड वाइफ, और दोनों जो है आपस में बातचीत करके ये डिसाइड करते हैं कि हाँ ठीक है कि हम जो है अब म्यूचुअली तलाक हमें ले लेना चाहिए। तो ऐसे में जो है ये जो तलाक है वो सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो है वो म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स जो है आता है। और म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन को फाइल करने में कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होता है। म्यूचुअल पिटीशन जो है डाइवोर्स की, उसको फाइल करने से पहले ये थोड़ा जरूरी बनता है कि पति पत्नी बैठ के जो है आपस में ये तय कर लें कि उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। देखिए, ये जो टर्म्स कंडीशन होती हैं ये दोनों पार्टीज जो है हस्बैंड एंड वाइफ टोटली उनके ऊपर डिपेंड करती है। वो किसी की मदद ले सकते हैं, चाहे अपने घर वालों की चाहे फ्रेंड्स की, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन जो है उन्हीं का होगा। जो कंडीशन उसमें लिखी जाएंगी वही जो है उनके ऊपर मान्य होंगी, वो बाध्य होंगे उन कंडीशंस के। तो ऐसे में ये अच्छा रहता है कि वो पहले से ही एक जो है डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लें कॉम्प्रोमाइज का या कुछ भी कंडीशंस का, टर्म्स एंड कंडीशंस का, जिसके बेसिस पे जो है वो पिटीशन के साथ भी आ जाएगा, अटैच हो जाएगा, या पिटीशन में भी वो कंडीशन जो है डाली जा सकती है। तो सबसे पहले तो है कि एक जो है पिटीशन जो है दोनों की तरफ से डलेगी, ज्वाइंट पिटीशन डलती है म्यूचुअल डाइवोर्स में, जिसमें कि जितनी भी टर्म्स कंडीशन है इसमें बेसिकली जो मोटी मोटी टर्म्स कंडीशन होती है वो है कि जो लड़की है या जो पत्नी है उसको पति जो है क्या उसको एलिमनी देगा या क्या मेंटेनेंस देगा, अगर कोई बच्चा है तो बच्चे के रिगार्डिंग क्या जो है किसकी कस्टडी रहेगी, किसकी जो है विजिटेशन राइट्स रहेंगे या नहीं रहेंगे, यदि और कोई जो है प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का क्या करना है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है उसको क्या करना है, ये सब सेटल करने के बाद ही जो है वो टर्म्स कंडीशन बनती हैं। और उन टर्म्स कंडीशन में ये जितनी भी चीजें हैं जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती हैं वो उसमें आ जाएंगी, चाहे वो स्त्री धन हो, कुछ लेना देना हो, परमानेंट एलिमनी हो, बच्चे की कस्टडी हो, बच्चे के जो है मेंटेनेंस हो, इस टाइप की चीजें जो है वो पार्टी जो है आपस में तय करके जो है इसमें लिख सकते हैं। और जहां पे दोनों एक कॉमन उस पे आ जाते हैं तो वो जो है उसको ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के जो है अपना पिटीशन जो डाल सकते हैं। तो ये जो पिटीशन है ये दोनों ही ज्वाइंट पिटीशन बनती है। उसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी कोई केस जो होता है वो वर्सेस आता है,
एक्स वर्सेस वाई, लेकिन ये जो केस होता है म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन का केस होता है, इसमें एंड आता है, यानी कि एक्स एंड वाई या ए एंड बी, यानी कि दोनों ही जो है ज्वाइंट पिटीशन डाल रहे हैं, दोनों कोई एक दूसरे से अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वो जो है दोनों म्यूचुअल डाइवोर्स चाहते हैं। तो एक तो ये है कि इसमें जो है पिटीशन जो है ज्वाइंट डलती है, दोनों के साइन होते हैं एक ही टाइम पे, और जब फाइलिंग होती है तो दोनों जो है दोनों ही वहां पे फाइलिंग करने जाएंगे जब भी फाइलिंग होगी। और इसमें एक कंडीशन और भी है कि जो ये म्यूचुअल डिवोर्स की पिटीशन है ये 1 साल के बाद ही डलेगी मैरिज के 1 साल के बाद ही जो है डाइवोर्स म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन जो है वो डल सकती है दोनों की तरफ से। और इसमें ये भी कंडीशन है कि वो दोनों जो है 1 साल से अलग रह रहे हों, ये भी एक मैंडेटरी जो है इसमें प्रोविजन है कि दोनों जो है सेपरेटली एक दूसरे से रह रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो यदि मान लीजिए कि किसी की मैरिज जो है 1 जनवरी को होती है और लड़की जो है 15 जनवरी को जो है अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है, तो वो जो है अगर उसको डाइवोर्स चाहिए म्यूचुअल अपने हस्बैंड से, तो उसको जो है 1 साल जब हो जाएगा यानी कि 15 जनवरी अगले साल जो है उसके बाद ही जो है ये दोनों जो है डाल सकते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स का पिटीशन। तो इसमें लेकिन एक एक्सेप्शन भी है कि इसमें यदि पार्टीज कोजेंट एविडेंस दें, कोजेंट रीजन दें कोर्ट को, तो वहां पे एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि हमें जो है 1 साल से पहले जो है हम ये एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, या जब पिटीशन डालेंगे उसके साथ ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लेकिन कोर्ट जो है उसके ऊपर बाध्य नहीं है और वो उसको डिसमिस कर सकते हैं, या फिर उसके ऊपर जो है वो टाइम दे सकते हैं कि हम जो है इसको 1 साल के बाद जो है इसमें पुट अप करके हम इसमें काम जो भी इसमें प्रोसीडिंग करेंगे वो कर सकते हैं। तो ये याद रहे कि जो भी पिटीशन डलेगी वो मैरिज के 1 साल के बाद डलेगी, और दोनों जो है सेपरेटली रह रहे हो 1 साल तक, उसके बाद ही जो है ये पिटीशन डल सकती है। अब इसके बाद बात आती है कि जब पिटीशन डल जाती है उसके बाद क्या होता है। यदि पिटीशन जो है म्यूचुअल डाइवोर्स की डल गई है, तो उसके बाद जब पिटीशन डलती है तो वो जज के सामने पुटअप होती है, और वहां जो है फर्स्ट मोशन जो है वो दोनों पार्टीज का होता है, जिसमें कि दोनों पार्टीज की स्टेटमेंट एज पर द पिटीशन, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस रिटन इन द पिटीशन, वो वहां पे जज के सामने जो है रिकॉर्ड होती है। तो दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट मोशन। और इसके बाद जो है एक डायरेक्ट जो है डेट लगती है 6 मंथ्स की, जिसको हम कूलिंग ऑफ पीरियड भी कहते हैं, कि इसमें यदि कोई पार्टीज आपस में कोई पैचअप करना चाहे या कुछ भी करना चाहे, उसके अपने इश्यूज रिजॉल्व करना चाहे, तो एक जो है 6 मंथ्स का कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो दिया हुआ है। उसके बाद जो है सेकेंड मोशन की डेट लगती है सीधी डायरेक्टली 6 महीने के बाद। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो है अब जो है ये जो कूलिंग ऑफ का पीरियड है, पहले मैंडेटरी था 6 मंथ्स का, लेकिन अब इसमें जो है यदि पार्टीज एप्लीकेशन डालती हैं कोर्ट को, तो कोर्ट जो है उसको कंसीडर करती है कि इसमें ऐसे कोई रीजंस नहीं है कि इसमें कोई पैचअप होगा, या इसमें कोई ऐसी कोई कॉम्प्रोमाइज की या वापिस आने की कोई उम्मीद है, यानी कि बिल्कुल ही ब्रेकडाउन हो चुकी है मैरिज और किसी भी तरह से दोनों पार्टी जो है आपस में अब इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे में जो है वो कूलिंग ऑफ पीरियड जो है उसको कम भी किया जा सकता है। तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि 6 महीने ही का पीरियड जो है कूलिंग ऑफ दिया जाएगा, उसमें कोर्ट को यदि लगता है एप्लीकेशन जो मूव करते हैं उसके हिसाब से, तो उसको जो है कोर्ट कम भी कर सकती है और उसको अपने पार्टीज के हिसाब से जो है उसको फिक्स कर सकती है। तो ये इसमें एक है कि पहले जो है 6 मंथ्स का कूलिंग ऑफ पीरियड दिया था, लेकिन अब जो है वो 6 मंथ्स कोई मैंडेटरी नहीं है। तो जब भी नेक्स्ट डेट लगेगी, चाहे वो 6 मंथ 6 मंथ्स की हो चाहे वो उससे कम की हो, तो उस वो जो डेट लगेगी वो होती है सेकेंड मोशन की। तो उसमें क्या होता है कि जब पार्टी सेकेंड मोशन पे आती हैं, तो उसमें जो है जो उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट दी है उसके सेम उसको रिटरेट करते हैं कि हमने ऐसे ऐसे पिटीशन डाली थी और ऐसे ऐसे हमारी टर्म्स कंडीशंस हैं, हमारी फर्स्ट मोशन जो है हो चुका है और आज हम जो है सेकंड मोशन के लिए आए हैं। तो ये जो है सेकंड उनकी स्टेटमेंट होती है उसको हम सेकंड मोशन कहते हैं। तो जब ये हो जाती है तो उसके बाद जो है जो कोर्ट है उसके बाद डिक्री पास कर देती है कि अब जो है डाइवोर्स ग्रांट कर दिया है। तो अब जो है उसके बाद ही जो है ये फाइनल होगा। यदि कोई भी पार्टी जो है सेकंड मोशन पे नहीं आती है
तो यानी कि उसका जो म्यूचुअल डाइवोर्स है वो नहीं होगा जब तक कि सेकंड मोशन कंप्लीट नहीं हो जाता और डिक्री नहीं आ जाती। कई बार देखा गया है कि पार्टीज फर्स्ट मोशन पे आ जाती हैं, लेकिन किसी भी वजह से जो है कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गई बीच में, या कुछ भी है मैटर जो है मॉनिटरी को लेकर के कोई डिस्प्यूट आ गया है, तो ऐसे में कई पार्टीज जो है सेकंड मोशन पे नहीं आती हैं। तो जब सेकंड मोशन पे नहीं आती हैं तो उनका जो म्यूचुअल डाइवोर्स का जो है पिटीशन है, या तो उसको और एक्सटेंड किया जाएगा ताकि वो आ जाए, और अगर ये है कि वो नहीं आएंगे तो म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन जो है वो डिसमिस कर दी जाएगी। तो ये जो है एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज थी। हाँ, फर्स्ट और सेकंड मोशन में एक और चीज भी होती है, यदि कोई मॉनिटरी अमाउंट है देना है लड़के वालों ने लड़की वालों को, तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि फर्स्ट मोशन पे लड़कियों को कितना देना है और सेकंड मोशन पे कितना देना है। तो जितनी भी अमाउंट मोशंस पे देनी है फर्स्ट या सेकंड पे, तो उस हिसाब से जब भी स्टेटमेंट होती है फर्स्ट मोशन की या सेकंड मोशन की, तो उसमें वो जो है आ जाती है कोर्ट के सामने, जो स्टेटमेंट होती है उसमें वो जो है अमाउंट दी जाती है कोर्ट के सामने दी जाती है, और उसकी वो है रिटर्न में भी आ जाता है। और वो जो है जो दोनों मोशंस की स्टेटमेंट्स है जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, उन दोनों पे जो है पार्टीज के सिग्नेचर होते हैं, और यदि उनके पेरेंट्स आए हुए हैं तो उनके भी जो है सिग्नेचर लिए जाते हैं, और उनका जो है आईडी प्रूफ वगैरह भी लिया जाता है। तो ये तो बात हो गई जहां पे कि म्यूचुअल डाइवोर्स का पिटीशन डालते हैं फॉर द डाइवोर्स। म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि एक तो जो पिटीशन है वो होती है म्यूचुअल, जिसपे दोनों के साइन होते हैं पार्टीज के, साथ में दोनों के ही एफिडेविट लगते हैं, और उसके साथ जो है जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सबसे पहले तो जो है उनके मैरिज का प्रूफ जो है उसको लगता है। उसके लिए मैरिज के प्रूफ के लिए उनकी जो है फोटोग्राफ्स, मैरिज की फेरों की जो होती है फोटोग्राफ्स होती हैं, मैरिज फंक्शन की फोटोग्राफ्स होती हैं, दो या तीन चाहिए होती हैं ज्यादा नहीं, जिसमें कि क्लियरली जो है जहां फेरे वो ले रहे हैं वो हो, प्लस पंडित वगैरह जैसे बैठे हैं उसके सामने हो, अग्नि कुंड के सामने बैठे हुए। दूसरा है कि उनकी जो है अगर यदि कोई मैरिज का कार्ड है तो वो भी साथ में लगता है। इसके बाद दोनों के आधार कार्ड लगते हैं, दोनों के रेजिडेंशियल जो है जहां पे वो रह रहे हैं आइडेंटिटी प्रूफ लगते हैं, रेजिडेंशियल प्रूफ लगते हैं, और यदि कोई उन्होंने अलग से कोई एग्रीमेंट बनाया हुआ है फॉर द म्यूचुअल डाइवोर्स तो वो भी जो है उसमें आ जाएगा, ताकि उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है डाइवोर्स की वो उसके साथ ही अटैच हो जाए, और वो डॉक्यूमेंट भी जो है कोर्ट फाइल का पार्ट बन जाए। तो ये जो है, और साथ में उनकी पासपोर्ट साइज फोटो, ये जो चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि म्यूचुअल डाइवोर्स में लगते हैं। तो ये एक प्रोसेस था जिसमें कि जहां पे दोनों पार्टीज तैयार होती हैं डाइवोर्स के लिए। तो अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि जहां पे पार्टी एक तैयार है डाइवोर्स लेने के लिए लेकिन दूसरी पार्टी तैयार नहीं है डाइवोर्स लेने के लिए, ऐसे में जो है पार्टी जो डाइवोर्स लेना चाहती है वो क्या करे। देखिए, अब हम बात करेंगे जहां पे दोनों पार्टीज राजी नहीं है डाइवोर्स के लिए, एक पार्टी राजी है डाइवोर्स के लिए दूसरी पार्टी तैयार नहीं है डाइवोर्स देने के लिए, तो ऐसे में जिस पार्टी को डाइवोर्स चाहिए, जिस स्पाउस को डाइवोर्स चाहिए वो क्या करें। देखिए, ऐसे में अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, कुछ जो है उसके कैटेगरीज दी हुई है जिसके अंडर जो है वो डाइवोर्स ले सकते हैं। अंडर सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कुछ प्रोविजन जो है उसके अंदर जो है सब प्रोविजन दिए हुए हैं कि किस किस क्या क्या चीज हुई है आपके साथ जिसकी वजह से आप जो है डाइवोर्स लेना चाहते हैं। तो ये मैं आपके साथ थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, क्योंकि अब ये जो है म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ना होके कंटेस्टेड अब डाइवोर्स हो गया है, तो ये थोड़ा सा अब कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। यहाँ पे अब आपको श्योरिटी नहीं होगी कि भी आपको डाइवोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि आप जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स में अंडर सेक्शन 13 के हिसाब से, यदि आप उनको प्रूव कर देते हैं कोर्ट में बाय वे ऑफ एविडेंस, चाहे वो ओरल हो, डॉक्यूमेंट्री हो, थ्रू विटनेसेस हो, तो आपको डाइवोर्स मिलने के काफी चांसेस हैं। यदि आप उन चीजों को प्रूव नहीं कर पाते हैं तो आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। और ये जो प्रोसेस है अब ये 6 महीने तक नहीं रुकेगा, ये उसके और आगे जाएगा, क्योंकि इसमें अब कोई भी फर्स्ट मोशन सेकंड मोशन नहीं होता है, इसमें एक प्रॉपर केस चलता है, कंटेस्टेड केस चलता है, जिसमें जो कि पिटिशनर है जिसने कि डाइवोर्स फाइल किया है वो एलिगेशंस लगाता है कुछ,
दूसरी पार्टी के ऊपर, अपने स्पाउस के ऊपर, कि ये चीजें हुई है, ये चीजें उसने करी है जिस वजह से मुझे जो है मेरे को डाइवोर्स चाहिए अंडर सेक्शन 13, और दूसरी पार्टी उसको कंटेस्ट करेगी, उसमें अपनी डिफेंस लेके आएगी कि क्या क्या रीजन है, कि वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, या बोल रही है कि नहीं बोल रही है, और उनका अपना क्या डिफेंस है जो भी एलिगेशन लगाए हुए हैं उसके। तो दोनों पार्टीज बाद में जो है एविडेंस लीड करेंगी अपने अपने, और एविडेंस लीड करने के बाद जो पार्टी केस को अपने को प्रूव कर देगी उसको जो है उस हिसाब से रिलीफ मिलेगा। यदि जिसने पिटीशन डाली है वो प्रूव कर देता है जितनी भी एलिगेशंस हैं तो डाइवोर्स मिल जाएगा। यदि वो प्रूव नहीं कर पाता है और दूसरी पार्टी ये सक्सेसफुल हो जाती है कि जितने भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो झूठे हैं, तो वो डाइवोर्स उसको नहीं मिलेगा पिटिशनर को, और पिटिशन डिसमिस हो जाएगी। तो क्या क्या जो सेक्शन 13 में जो है वो दिए हुए हैं जिसके बेसिस पे डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ ब्रीफली थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। इसमें देखिए 9 ग्राउंड हैं डाइवोर्स के अंडर सेक्शन 13। तो जिसमें से एक है कि यदि कोई भी एक स्पाउस जो है उसको 7 साल से ऊपर हो गए हैं और उसकी कोई अलाइव होने की कोई खबर नहीं है, तो यदि कोई, यानी कि अगर समझ लीजिए कि जो भी स्पाउस है वो गुम हो गया है या आपको मिल नहीं रहा है और 7 साल से ऊपर हो गए हैं, तो ऐसे में जो दूसरी पार्टी है डाइवोर्स लेने के लिए पिटीशन डाल सकती है कोर्ट में। इसके बाद दूसरा है कि यदि दोनों में से कोई भी स्पाउस जो है आफ्टर मैरिज जो है किसी और आउटसाइड द मैरिज जो है वो वॉलेंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या करती है, तो ऐसे में दूसरा जो पार्टनर है वो एलिजिबल हो जाता है अंडर सेक्शन 13 डाइवोर्स केस को फाइल करने में। ये भी एक ग्राउंड है कि डाइवोर्स लेने के लिए सेक्शन 13 में हिंदू मैरिज एक्ट में। इसके बाद जो ज्यादातर केस चलते हैं वो होता है क्रुएल्टी के बेसिस पे, जहां पे एक स्पाउस ने दूसरे स्पाउस को क्रुएल्टी से ट्रीट किया है, तो इसमें जो है फिजिकल क्रुएल्टी भी आ जाती है और मेंटल क्रुएल्टी भी आ जाती है। तो ये जो है ग्राउंड जो है ज्यादातर जो है 90% जो है ग्राउंड जो है इसी के बेसिस पे कोर्ट में केसेस चलते हैं क्रुएल्टी टू द स्पाउस। तो इसमें देखिए जितने भी मैं बता रहा हूँ इन सभी को प्रूव करना पड़ेगा तभी जो है डाइवोर्स ग्रांट होगा। सिर्फ एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होता है, एलिगेशन तो कोई कुछ भी लगा सकता है, लेकिन जब तक आप उसको सब्सटेंशिएट नहीं करेंगे, उसको प्रूव नहीं करेंगे किसी न किसी तरह, तब तक वो ऐसे ही एलिगेशन ही रहेंगे, और कोर्ट एलिगेशन को नहीं मानती है जब तक कि वो प्रूव नहीं हो जाते हैं। इसके बाद अगला ग्राउंड है कि यदि एक स्पाउस ने हिंदू रिलीजन से कोई और रिलीजन में कन्वर्ट हो गए हैं जो कि हिंदू में नहीं आता है, तो ऐसे में भी जो है जो दूसरा विक्टिम स्पाउस है वो जो है डाइवोर्स के लिए पिटीशन डाल सकता है कोर्ट में। और यदि एक स्पाउस ने दूसरे स्पाउस को डेजर्ट कर दिया है कि उसको छोड़ दिया है, और ये जो पीरियड है डेजर्शन का वो 2 साल से ज्यादा का हो गया है, तो ऐसे में जिसको डेजर्ट किया है यानी कि जिसको छोड़ दिया है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, तो वो जो है डाइवोर्स की पिटीशन डाल सकते हैं आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ डेजर्शन। यानी कि डेजर्शन जब हो गई है, एक एक स्पाउस ने दूसरे स्पाउस को छोड़ दिया है, तो 2 साल अगर वो हो गए हैं पूरे, तो ऐसे में दूसरी पार्टी जो है 2 साल के बाद कोर्ट में पिटीशन डाल सकती है। इसके बाद है यदि कोई भी एक स्पाउस जो है वो अनसाउंड माइंड का है और जो कि ठीक नहीं हो सकती है, और उसका मेंटल डिसऑर्डर इतना हो गया है कि वो दूसरा जो स्पाउस है उसके साथ नहीं रह सकता है, तो ये भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स लेने का अंडर सेक्शन 13। यानी कि उसकी मेंटल, उसकी कंडीशन ऐसी है, उसका मेंटल डिसऑर्डर ऐसा है, वो एक तो इनक्यूरेबल है और वो इतना हार्मफुल हो गया है कि वो जो दूसरा स्पाउस है उसके साथ नहीं रह सकता है। इसके बाद कि यदि दोनों में से कोई भी स्पाउस जो है उनको इनक्यूरेबल फॉर्म ऑफ लेपोरेसी है, कोड जिसको हम कहते हैं, यदि इनक्यूरेबल फॉर्म ऑफ कोड है इसमें, लेकिन मैंने आज तक कोई केस इसमें नहीं देखा है, पहले हो सकता है होते हो, लेकिन ये भी एक ग्राउंड जो है अभी भी चल रहा है कि यदि किसी को भी इनक्यूरेबल और विरुलेंट फॉर्म ऑफ लेपोरेसी है, तो यानी कि वो जो है अंडर सेक्शन 13 जो है डाइवोर्स ले सकता है दूसरा जो है उसका स्पाउस। यदि दोनों स्पाउस में से कोई भी जो है एक किसी भी फॉर्म की, कम्युनिकेबल फॉर्म की वेनरल डिजीज जो है अगर है, किसी एक दूसरे से डिजीज लग सकती है, तो ये भी जो है एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। और यदि दोनों स्पाउस में से, हस्बैंड या वाइफ में से किसी ने भी जो है वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया है बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर,
कई जैसे होते हैं कि वो संत बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं, वो संसार को छोड़ देते हैं, जो वो माया को छोड़ के एक अलग से ही उसमें अपने चले जाते हैं रिलीजियस उसमें। तो जहां पे ऐसी चीज होती है तो दूसरा जो पार्टनर है वो डाइवोर्स ले सकता है अंडर सेक्शन 13। तो ये कुछ ग्राउंड से अंडर सेक्शन 13 जिसमें कि कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है, और यदि जिसने पिटीशन डाली है वो सभी चीजों को प्रूव कर देता है या जो भी उसने एलिगेशन लगाए हैं उसको सब्सटेंशिएट करता है किसी न किसी चीज से, एविडेंस से, प्रूफ से, डॉक्यूमेंट से, विटनेसेस से, तो ये जो है वो डाइवोर्स ले सकता है। यदि वो प्रूव नहीं कर पाता है तो वो डाइवोर्स नहीं मिलेगा, ये आप प्लीज ध्यान रखें। और इसमें मैं एक बात फिर से कहना चाहूंगा कि ये जो है म्यूचुअल डाइवोर्स की तरह 6 महीने तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें हो सकता है आपका साल, 2 साल, 3 साल तक लग जाए, क्योंकि इसमें सभी चीजें जो है एज प्रोसेस ऑफ लीगल प्रोसेस चलेंगी कि सबसे पहले आपकी पिटिशन डलेगी, उसके बाद दूसरी पार्टी का रिप्लाई आएगा, उसके बाद इश्यूज फ्रेम होंगे, या अगर कोई बीच में एप्लीकेशन है अंडर सेक्शन 24 की ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अगर कोई इंटरिम मेंटेनेंस की जो है एप्लीकेशन है वो भी डिसाइड होगी इसमें, और उसके बाद जो है इश्यूज फ्रेम होके एविडेंस पे लगेगी, एविडेंस में हर एक पार्टी को दो दो तीन तीन मौके दिए जाएंगे। तो ये जब सभी चीजें आएंगी तो उसमें बट नेचुरल है टाइम लगना, बहुत ही एक ऑब्वियस चीज है। तो इसमें आप मान के चलें कि इसमें आपका साल से लेकर के 3 साल तक जो है ये केस जो है चल सकते हैं, क्योंकि समनिंग होगी उसके बाद। क्योंकि आप देखिए, अब म्यूचुअल डाइवोर्स में तो समनिंग की जरूरत ही नहीं है, जब म्यूचुअल डाइवोर्स में दोनों पार्टीज ही इकट्ठी जाके जो है फाइलिंग कर रही है तो उसमें समनिंग वगैरह की कोई जरूरत ही नहीं है, उसमें को जो पीरियड है वो खत्म हो गया है। लेकिन इसमें जो है क्योंकि आप कंटेस्टेड फाइल कर रहे हैं तो इसमें आपको समनिंग भी करानी पड़ेगी, और उस प्रोसेस में जो है आपको महीना 2 महीना तो लग ही जाता है समनिंग को, नोटिस को सर्व करवाने में या उनको पेश होने में। तो ये सब चीजों को देखते हुए आप इसको मान के चलिए कि साल और 3 साल के पीरियड के बीच में जो है आपका केस जो है ये खत्म होगा। लेकिन ये कोई, मैं आपको एज सच कोई फिक्स नहीं बता रहा हूं, इससे कम भी लग सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है दोनों पार्टीज के ऊपर कि वो कितनी जल्दी जो है लीगल प्रोसेस में आना चाहती हैं या कितनी जल्दी इसको खत्म करना चाहती हैं, तो ये उस पर डिपेंड करता है। इसके साथ ही ये जो मैंने आपको ग्राउंड्स बताए हैं सेक्शन 13 के, ये दोनों ही के लिए हैं, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। लेकिन वाइफ के लिए कुछ एक दो और भी जो है ग्राउंड्स हैं डाइवोर्स के, कि जैसे अगर जो हस्बैंड है वो गिल्टी है रेप का, सोडोमी का, बेस्टियलिटी का, तो ऐसे में जो वाइफ है उसके पास एक एडिशनल ग्राउंड है टू फाइल द डाइवोर्स केस अगेंस्ट द हस्बैंड। और एक ग्राउंड और है वाइफ के लिए कि यदि वाइफ की जो मैरिज है उसकी एज अगर 15 ईयर्स है, उससे पहले हो जाती है मैरिज और वो डाइवोर्स लेना चाहती है, तो वो जो है 18 साल से पहले पहले जो है उसको डाइवोर्स लेना पड़ेगा। तो ये भी एक प्रोविजन है जिसमें कि वाइफ जो है डाइवोर्स ले सकती है यदि उसकी एज कम थी, 15 ईयर से कम थी और उसकी मैरिज कर दी गई। अब देखिए, डाइवोर्स की पिटीशन कहाँ फाइल हो सकती है ये मैं आपको बता देता हूं कि कहाँ ज्यूरिडिक्शन बनती है। दो तीन जो है चीजें हैं जहां पे जिसकी वजह से ज्यूरिडिक्शन बन सकती है। देखिए, सबसे पहले तो जहां पे मैरिज सॉलमाइज हुई है वहां जो भी फैमिली कोर्ट है वहां पे ये जो है आपकी डाइवोर्स की पिटीशन फाइल हो सकती है। सेकेंडली, जहां पे हस्बैंड एंड वाइफ लास्ट रिजाइडेड टुगेदर, हो सकता है मैरिज कहीं और हुई हो लेकिन उसके बाद शिफ्ट होके कहीं और रह रहे हो, तो जहां पे लास्ट रिजाइडेड टुगेदर है वहां की भी ज्यूरिडिक्शन बन सकती है। प्लस जहां पे रिस्पोंडेंट पार्टी रहती है वहां की ज्यूरिडिक्शन भी बनती है, कि जो पिटीशन फाइल कर रहा है लेकिन रिस्पोंडेंट कहीं और रहता है, तो जहां पे रिस्पोंडेंट रहता है वहां की भी जो है ज्यूरिडिक्शन बन सकती है वहां की फैमिली कोर्ट की। प्लस जहां पे लेडीज जो है या जो वाइफ है वो फाइल कर रही है तो उसके लिए एक अलग से जो है ये प्रोविजन दिया गया है कि जहां पे वो रह रही है वहां भी जो है वो ये डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है, वहां की फैमिली कोर्ट में जो है वो फाइल कर सकती है, चाहे जो उसका हस्बैंड है वो कहीं और रह रहा हो लेकिन वो जो है जहां पे रह रही है तो उसको जो है वो एट द टाइम जहां पे रिजाइड कर रही है वहां पे भी फाइलिंग कर सकती है। तो ये जो है तीन चार है, जहां पे मैरिज हो गई वहां पे, जहां पे लास्ट रिजाइडेड हो गए वहां पे, जहां पे यदि हस्बैंड फाइल कर रहा है तो यानी कि रिस्पोंडेंट जहां रहती है वहां पे, या यहाँ पे जहां पे वाइफ रहती फाइल कर रही है पिटीशन तो जहां पे वो रह रही है वहीं से फाइल कर सकती है। तो ये कुछ ज्यूरिडिक्शन के ग्राउंड्स हैं जिसमें कि कहाँ कहाँ पे ये फाइल हो सकती है। और ये देखिए, ये जो मैंने आपको सभी चीजें बताई हैं ये
डाइवोर्स के रिलेटेड बताई हैं, जहां पे पार्टीज डाइवोर्स लेना चाहती हैं। एक जो पहले मैंने बताया आपको, जहां पे दोनों पार्टीज डाइवोर्स लेना चाहती हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया जहां पे एक पार्टी लेना चाहती है और दूसरी पार्टी नहीं लेना चाहती है। तो ये आपको मैंने बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही एक लेमन लैंग्वेज में आपको बताया कि म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन के या म्यूचुअल डाइवोर्स लेने का क्या तरीका है, उसमें क्या क्या आपको ध्यान रखनी है चीजें। दूसरा है कि जहां पे कंटेस्टेड आपका डाइवोर्स पिटीशन आ गई है, तो उसमें पूरी ही पूरी पिक्चर चेंज हो जाती है और आपको ये बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं रहती है कि आपको डाइवोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसमें जो भी ग्राउंड्स है डाइवोर्स के अंडर सेक्शन 13, यदि आप उनको प्रूव कर देते हैं तो डाइवोर्स मिलेगा। यदि आप उनको प्रूव नहीं कर पाते हैं, दूसरी पार्टी जो है सक्सेसफुल हो जाती है कि आपने जो एलिगेशन लगाए हैं वो गलत लगाए हैं, आप प्रूव नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आपकी डाइवोर्स पिटीशन डिसमिस हो जाएगी। तो ये दो तरीके हैं जिसमें कि अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट डाइवोर्स ले सकते हैं। तो आगे के लिए हम और डिस्कस करेंगे कुछ और टॉपिक। आप सभी के जो है मेरे को ईमेल्स, कमेंट्स, बहुत ही मुझे आपका सपोर्ट मिल रहा है। आशा करता हूं आप सभी को मेरे जो है वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स के थ्रू जो है मेरा जो है हौसला अफजाई करते रहिए। तो अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।